आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस अब जैसा कि लास्ट लेक्चर मेरा कैटालिसिस के ऊपर था और हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे ऐसे कैटालिटिक प्रोसेस डिस्कवर किए जैसे हैबर्स प्रोसेस ऑस्ट्र्स प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस और इन सभी प्रोसेस में एक या डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ जो कैटलिस्ट है वो हमने यूज़ किए इनके यूज़ से हमने कई रिएक्शंस को कंट्रोल किया है और उनके रेट्स को इंक्रीज भी किया है लेकिन जब हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को देखते हैं और उनके वर्किंग को देखते हैं एज़ कंपेयर टू दैट जो अभी मैंने डिस्कस किए थे तो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जब आप उनके एक्शंस को डिस्कस करते हैं तो ये पिछले जो कैटलिस्ट हमने डिस्कस किए थे वो उनका जो एक्टिविटीज़ है वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं राइट सो so, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिन्हें कि हम नाम देते हैं एंजाइम कैटलिस्ट का राइट वो जो है कहीं ज़्यादा एफिशेंटली काम करते हैं एज़ कम्पेयर विद इनऑर्गेनिक और जो डिस्कवर्ड कैटलिस्ट है उनके कंपेरिटिवली अब जैसे कि मैं एक साधारण से एग्जांपल देता हूं जैसे कि सपोज़ कीजिए कि, कि अगर हमें प्रोटीन्स की कंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन वो प्रोटीन की कंस्ट्रक्शन जो है आप लेबोरेटरी में करना चाहते हैं राइट तो लैब में अगर आप कोई प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी इक्विपमेंट चाहिए होंगे राइट और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें कि अगर आप प्रोटीन की कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करते हैं इन दिस सेल्स राइट तो सेल्स में यही इसी प्रोटीन की, की जो कंस्ट्रक्शन है वो रैपिडली और कॉन्टीन्यूसली हो रही है और ये इतनी फास्ट है जितनी कि लैब में आप रिएक्शंस करते हैं उससे कई गुना फास्ट होती है राइट right? तो इसलिए जो एनजाइम कैटलिस हैं वो फास्ट भी हैं और एफिशिएंटली भी अच्छे होंगे एज़ कम्पेयर वोज प्रीवियसली डिस्कवर्ड ह्यूमन कैटलिस्ट राइट जो ह्यूमन बींग्स ने या साइंटिफिकली डिस्कवर्ड है कैटलिस्ट है उनके मुकाबले में जो नेचुरल कैटलिस्ट है जो बायोलॉजिकली uh, जो सेल्स में मिलते हैं वो कैटलिस्ट जो है ज़्यादा एफिशेंट होते हैं तो जितने भी है, हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं जो हमारे को अब तक नॉन एंजाइम कैटलिस्ट हैं वो मोस्टली जो है वो प्रोटीन हैं राइट दे आर मोस्टली प्रोटीन तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है और प्रोटीन इज बेसिकली इट इज ए पॉलीमर राइट सो प्रोटीन इज नॉट ए स्मॉल मॉलिक्यूल बट प्रोटीन इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स तो उन डिफरेंट अमीनो एसिड्स के ग्रुप को ज्वाइन करके पॉलीमर बनता है जिसका नाम है प्रोटीन बट इसका जो मोलर मास है ये मोलर मास जो नॉर्मल कैटरीज के मोलर मास से कहीं ज़्यादा होता है राइट right? सो so, और इनका जो मॉलिकुलर uh, जो साइज़ होता है वो भी हायर साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू विद इन नॉर्मल मोलिक्यूल बिकॉज ये प्रोटीन है तो इसका साइज थोड़ा सा बिगर होगा अब अगर एंजाइम्स के बारे में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की अगर बात करी जाए तो एक साइंटिस्ट थे पहले जिनका नाम था आर शॉयमर जिन्होंने कि नाइनटीन हंड्रेड थर्टीज़ में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम आइसोट्रोपिक ट्रेंसर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और उसमें इन्होंने एक खास चीज़ स्टडी किया जिसमें इन्होंने ये चीज़ बताया कि जो रेट लीवर है उसमें जो प्रोटीन है वो दस दिनों तक पॉसिबली रह सकता है और इस प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर सकता है राइट या यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है लीवर के ही अंदर रिप्लेसमेंट का काम हो सकता है प्रोटीन रिप्लेसमेंट का काम होता है इसके अंदर और साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी है राइट तो यहाँ पर ये एक चीज़ समझने वाली कि सारा कुछ ये जब हो रहा है इसके बाद फिर क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रू द वे ऑफ यूरिन वो बाहर हो जाता है और जो बॉडी है बॉडी जो है वो पूरी तरह से सेफ रह जाती है लेकिन इसमें पॉइंट समझने का ये है कि एक ही सब्सटेंस जो है वो इतने सारे फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है राइट right? सो so, ये इसकी इंपॉर्टेंस शो करता है कि जो एंजाइम कैटलिस है वो एंजाइम कैटलिस जो है दूसरे कैटलिस के कंपेरिज़न में बहुत सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सकता है यहीं पर एक और भी हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बुकनर और इन इन्होंने 1897 में बहुत ही ख़ास चीज़ डिस्कवर किया और जैसा कि अब आजकल ये चीज़ कॉमन है कि जो एंजाइम्स हैं वो सेल में अवेलेबल होते हैं तो सेलुलर रिएक्शंस के लिए डिमांड उठती है कि जो भी रिएक्शंस होंगे वो सेल में ही होंगे ओनली इन सेल राइट बिकॉज एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन जो है ह्यूमन सेल में या प्लांट सेल्स में अवेलेबल होते हैं लेकिन बुकनर ने ऐसा डिस्कवर किया उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप जो एंजाइम्स हैं उन्हें जो है सेल फ्री फिल्ट्रेट्स के जरिए बना सकते हैं यानी कि आप एंजाइम्स को सोल्यूशन में भी बना सकते हैं तो अगर आपके पास एंजाइम्स के सोल्यूशंस हैं तो डेफिनेट सी बात है कि अब आप आपको एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए सेल पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट सो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजाइम्स हैं उनको आप सोल्यूशन में रख सकते हैं और यहाँ पर जो सोल्यूशनस हैं ये बेसिकली एक तरह का कोलाइड कहलाएंगे ना कि ट्रू सोल्यूशन राइट और ये कोलाइड इसलिए कहलाएंगे बिकॉज मैंने अभी बताया था कि एंजाइम्स जो है वो इनका साइज़ जो है मालिकुलर साइज से ये बड़ा होता है राइट सो बिगर देन दी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स राइट सो ये जो है अब बिगर होते हैं और इसलिए ये कोलाइड्स बनाएंगे राइट सो कोलाइड के डिस्कशन में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं कि ये इसके लिए सबसे खास डिस्कवरी थी एंजाइम्स के लिए कि एंजाइम्स को आप अब सेल्स के बगैर भी आप रिएक्शंस कर सकते हैं जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं और दूसरी चीज़ ये कि एंजाइम्स का जो साइज़ है वो अटामिक साइज़ से बिगड़ है मैं यहाँ पे आपको साइज़ का एक थोड़ा डायमेंशन दे देता हूँ कि ये टेन से लेकर के अप्रॉक्सीमेट हंड्रेड नैनोमीटर का होना चाहिए राइट और जब इस तरह का पार्टिकल साइज़ होता है टेन से लेकर वन हंड्रेड तक के बीच में तो उन्हें हम बेसिकली कोलाइड बोलते हैं राइट तो ये एक शब्द है बस कि सोल्यूशन बना दिया गया बट वी कैनॉट कॉल इट सोल्यूशन बट हम इसको बोलेंगे कोलाइड राइट और जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं ये होमो एंड हीटीरो इनके बीच की स्टेज होती है ना तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस रह जाएगा ना ही हिटिरोजीनियस कैटालिसिस क्यों क्योंकि जो होमोजीनियस कैटालिसिस होता है उसमें पार्टिकल का साइज़ जो है स्मॉलर होता है और हीटिरजीनियस में एक जो कैटलिस्ट है उसका बिगर साइज़ होता है लेकिन जो एंजाइमेटिक सोल्यूशंस है उनका साइज इनके बीच में रहता है सो so बेसिकली ये ना तो होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर आता है और सॉरी ना होमोजीनियस कैटालिसिस में आता है और ना ही हिटीरोजीनियस कैटालिसिस में आता है और राइट एनजाइम्स जो है अपने रिएक्शंस में हाईली स्पेसिफिक होते हैं राइट इसके एग्जाम्पल जो है इस बात से पता लगाई जा सकती है कि कि अगर आपके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरेज़ राइट right? तो जो यूरेज एंजाइम enzyme है एंजाइम्स के नेम के साथ में यहाँ पर एस ई -E लगता है एज इसको एज बोलते हैं एज तो ये एंजाइम्स के आ, नमन क्लेचर है कि एंजाइम्स के नाम के साथ हाँ में एज लगता है तो जो यूरेज एक एंजाइम है ये केवल यूरिया को ही कन्वर्ट करता है अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में जिसमें कि आप देखते हैं कि यूरिया का एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू बनता है तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो ये कि अगर मैं यहाँ पर एक यूरिया का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ राइट सो so ये यूरिया का मॉलिक्यूल है और ये यूरिया का मॉलिक्यूल जो है यूरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज होगा अब यहाँ पर पॉइंट समझने का ये है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सब्सिट्यूट कर लेता हूँ राइट फ़ॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर लेता हूँ किसी मिथाइल ग्रुप से तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक मिथाइलेटेड यूरिया हो गया राइट right? तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि ये स्टिल ये अभी भी एक यूरिया का ही ग्रुप कहलाएगा लेकिन इस वक्त ये यूरिया ये यूरिया नहीं है बिकॉज इस यूरिया को मैंने सब्सिट्यूट किया हुआ है मिथाइल ग्रुप से इसके एक हाइड्रोजन जो है मैंने सब्सिट्यूट कर दिया मिथाइल ग्रुप से तो नोटिस करने ये चीज़ है कि केवल एक, एक आइटम के रिप्लेसमेंट से अब अगर मैं दोबारा से यूरेज का इस्तेमाल करता हूँ तो यूरेज इसके लिए कोई काम का नहीं होगा राइट तो ये चीज़ शो करती है कि जो एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं अपने एक्शन में राइट हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन अब अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ पेप्सिन की पेप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स को डिकम्पोज करता है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये ग्लाइसिन ग्लूटेमाइल और टायरोसिन ये तीन अमीनो एसिड से बना हुआ एक प्रोटीन है जिसे कि पेप्सिन जो है कर सकता है और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर टायरोसाइन जो है ये यहाँ पर एक एल नोटेशन भी लिखा हुआ है राइट तो अगर यहाँ पर ये एल कॉन्फिग्रेशन है और अगर आपके पास एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल अगर आप तैयार करते हैं जिसमें ग्लाइसिन ग्लूटामिन और यहाँ पर डेक्स्ट्रो सॉरी नॉट डी इट्स इज डी नॉट डेक्स्ट्रो नहीं डी टायरोसिन होगा राइट right? तो अगर आपने इसका एक ऑप्टिकल नोटेशन भी अगर आपने चेंज कर दिया या अगर आपने इनका अमीनो एसिड का अगर आपने सीक्वेंस भी चेंज कर दिया है या अमीनो एसिड को ही पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया वो तो खैर डिफरेंट और बहुत बड़ी बात आती है तो अगर आपने अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज कर दिया इवन कि अगर आपने मॉलिक्यूल सेम रखा पर उसका स्टीरियो कॉन्फिग्रेशन एल को डी में या डी को एल में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो पेप्सिन है ये इस चेंज कॉन्फिग्रेशन के लिए कम्प्लीटली इफेक्टिव होगा जो कि यह शो करता है कि पेप्सिन जो है स्पेसिफिकली इसी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है राइट right? सो so ये बात हम हमें शो होती है कि जो एंजाइम्स हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक और भी टर्म आता है जिसे मैं डिस्कस कर लूँगा वो है टर्न ओवर नंबर ये काफ़ी स्पेशल वर्ड है आपके लिए राइट right? बिकॉज इसका लिंक जो है बिजनेस के साथ नहीं है टर्न ओवर नंबर बेसिकली ये है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं राइट बाय सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल राइट अब इसके जो रेंज है जो टर्न ओवर नंबर का जो रेंज है वो है करीब करीब टेन टू दी माइनस टू से ले करके ये टेन की पावर सिक्स तक जाता है तो खैर इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं एक एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ करता हूँ जैसे कि मैंने पेप्सिन का अगर सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल अगर मैंने यूज़ किया हुआ है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल पेप्सिन का कम से कम दस लाख पेप्टाइड बॉन्ड्स को या मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करने की क्षमता रखता है राइट right? और ये रेंज दे रखा है तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एक पेप्सिन के लिए बात कर रहा हूँ मैंने एक रेंज आपको दिया है कि रेंज है ये स्पेसिफिकली पेप्सिन के लिए नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ की जो एग्जांपल्स हैं हम उस पर ध्यान देंगे कि आपको यहाँ दिखा रखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर यूरेज स्पेसिफिकली यूरिया को डीकम्पोज कर रहा है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में और सिमिलरली एक एंजाइम है पेप्सिन जो कि कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को इन पेप्टाइड्स राइट right? और ये काम होता है इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन भी है एंजाइम जो कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में यानी कि हमारे पास ये दो अलग अलग एंजाइम्स हैं और इनके दो अलग अलग टास्क हैं राइट सिमिलरली अगर आपके पास ये भी एग्जाम्पल है मिल्क टू कर्ड मिल्क से कर्ड बनना कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है तो ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के ही थ्रू होती है और इसमें जो काम करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिली एंजाइम राइट तो ये जो लैक्टोबैसिली एंजाइम है ये मल्टीप्लाई होकर के मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं राइट right? तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंजाइम्स ये और भी कई काम करते हैं जैसे कि अगर हम देखें सुक्रोस जो है एक मॉलिक्यूल है जो बिगर दो यूनिट से बनता है तो इस मॉलिक्यूल को ग्लूकोस और फ्रक्टोस में स्प्लिट करने का काम भी ये करता है इसके अलावा एक और भी एंज़ाइम है जो कि ग्लूकोस को फर्दर इथाइल एल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट करने का काम करता है तो वो हम इस रिएक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये सुक्रोस का मॉलिक्यूल है और इसके लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड वो उसका नाम है इन्वर्टीज़ राइट right? इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है वहीं पर जो जायमेज़ है एक और एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है जैसा कि हमने अभी एनिमेशन में देखा था अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और एंजाइम है जिसका नाम है डायास्टेज और ये डायास्टेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में और फिर फर्दर माल्टोज़ को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोस में माल्टेज की हेल्प से राइट तो इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं और इसमें से कुछ ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो आपने सुने होंगे जैसे कि जो ब्रेड का फ्लफीनेस होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यीस्ट और यीस्ट में जो एंजाइम पाया जाता है वो है तो माल्टेज राइट सो इस तरीके से वो भी ये काम कर सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पर हमारे पास समरी अवेलेबल है कि कौन कौन सा एंजाइम जो है वो किस किस सोर्स से हमें अवेलेबल हो सकता है राइट ज़ाइमेज माल्टेज माल्टेज आपने देखा कि जैसे मैंने ये बताया था कि यीस्ट में हमें माल्टेज़ एंजाइम मिलता है राइट right? तो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पलीफाई करने के लिए ये मेरे पास यीस्ट का सैम्पल है राइट right? तो आप देख सकते हैं कि इस यीस्ट को जिसे जिसे मैं कह सकता हूँ कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है राइट right? ये यीस्ट इस वक्त डोरमेंट स्टेट में है राइट right? दैट मीन्स कि इसके ऊपर एक डेड सेल की लेयर होती है और उसके अंदर इनर साइड पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं ओके okay. और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यीस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस एड द ड्राई यीस्ट इन टू द फ्लावर एंड एड इनग्रेडियंट्स राइट साथ ही साथ आप अगर देखें तो इसमें एक चीज़ साथ में आपको और भी नोटिस होगी वो है इसका लाइफ टाइम यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर एटीन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग राइट तो ये एक इसलिए दिया जाता है बिकॉज इनकी भी एक लाइफ टाइम होती है राइट right? और जिससे ज़्यादा कि आप इसको यूज़ फर्दर नहीं कर सकते हैं ओके okay. तो ये जो टेबल है आपके पास ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ नोटिस करने वाली है मैं इसमें एग्जाम्पल में इसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि हम ये बात जानते हैं कि इसे हल्के से गर्म पानी में इस्तेमाल किया जाता है राइट right? तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें नोटिस करें तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है राइट जो कि इसके स्टोरेज के रिगार्डिंग है अगर अब आप ध्यान से पढ़ें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड कूल ड्राई प्लेस यूज़ ए ड्राई स्पून ओनली राइट दैट मीन्स कि इस यीस्ट को ज़िंदा होने के लिए या इसको काम का बनाने के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए ये लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं तो अगर हम थोड़ा ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर महसूस करते हैं या थोड़ा सा ठंड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो एन्ज़ाइमेटिक एक्शंस हैं वो अफेक्ट होते हैं राइट right? तो यहाँ पर अभी मैं जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंटली बताने वाला हूँ वो है इनके करैक्टरिस्टिक्स इन एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि ये हाईली एफिशिएंट है जैसे कि मैंने आपको टर्न ओवर नंबर के फॉर्म में दिखाया था कि ये इतने मोर् की जो है पर मिनट रिएक्टेंट के रिएक्ट हो सकते हैं और दूसरा पॉइंट हमने देख लिया है कि ये लोग हाईली स्पेसिफिक हैं जितने भी एंजाइम कैटालिसिस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं राइट लेकिन इसमें दो कैटेगरी होती है एक तो होता है कि मॉलिकुलरली स्पेसिफिक होता है दूसरा क्लास के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होता है जैसे कि अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस में आप क्लास बोलेंगे क्योंकि इसमें एस्टर के ग्रुप का को कोई भी एस्टर होगा तो वो उस रिएक्शन को शो करेगा वो ग्रुप बेस्ड रिएक्शन है फंक्शनल ग्रुप बेस्ड रिएक्शन है लेकिन अदरवाइज जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं सो so, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए राइट तो जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है कि अब ये जो यूरेज है वो हाइड्रोलाइज करेगा केवल यूरिया को और ये दूसरे किसी को भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा राइट तो ऐसा हमने अभी देखा था कि अगर आप यूरिया को सब्सिट्यूट भी कर देंगे तो वो इसके लिए यूजलेस हो जाएगा राइट अब यहाँ पर सबसे खास चीज़ आती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ये हमारा रूम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है राइट right? अगर आप नोटिस करें तो 310 हंड्रेड टेन इज़ बेसिकली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो अगर आप देखें कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन दिस सराउंडिंग तो उसके कारण हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं राइट right? तो इसलिए इस टेम्परेचर को बोला गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पर काम सही कर सकता है साथ ही बॉडी का पी भी होना सही ज़रूरी है राइट तो पी भी इसका ऐसा फाइव टू सेवन के बीच में ही काम कर सकता है जितने भी एंजाइमेटिक या एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है वो सभी और साथ में एक यहाँ पे और भी चीज़ दे रखी है यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं और को एन्जाइम्स को एनजाइम्स जो हैं वो हैं जो एंजाइम्स को बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं को एनजाइम्स इन को एन्जाइम्स के आने के कारण जो है जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है जैसे कि आपने देखा होगा प्रोमोटर्स हमने पढ़ा था प्रोमोटर्स तो ये एक तरीके से आप इनको प्रोमोटर जैसा समझ सकते हैं ओके okay, लेकिन अगर हम इसके अलावा कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स देखें स्पेसिफिकली जो आयंस हैं राइट जो कि नॉन प्रोटीन हैं तो कोजाइम्स तो ये सिंपल सी बात है कि जो को एन्जाइम्स हैं ये एक तरह के एंजाइम्स हैं इनके नाम रखे हैं एन्जाइम्स तो दे आर जस्ट लाइक प्रोटीन्स लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मेटालिक आयंस हैं और इनके कारण भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसे एक्टिविटी को इंक्रीज मिलता है तो इस तरह के जो आयंस हैं इनऑर्गेनिक आयंस नॉट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उन्हें हम बोलते हैं बेसिकली एक्टिवेटर्स राइट सो दे आर द एक्टिवेटर्स अब ये काम क्या करते हैं बिकॉज ये लोग देखिए दे आर पॉजिटिवली पोलराइज और सॉरी पॉजिटिवली चार्ज सो डेफिनेटली इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा और जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटीन में एक uh, अमाइड ग्रुप होता है और आप देखें कि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन पे, राइट right? सो so, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर ईजिली इन वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट uh, हो सकते हैं मीन्स यहाँ से बॉन्डिंग हो सकती है तो so, बेसिकली इनका काम क्या होता है इनका काम होता है उनको एक्टिवेट करने के लिए उनको बाइंड कर देना राइट right? सो so, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखी कि जो एमाइलेज एक एनजाइम है अगर आप देखें तो इसकी एक्टिविटी जो सोडियम के प्रेजेंस में बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब जिस तरीके से ये प्रोमोटर्स का, का काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर इनहिबिटर्स का भी काम हो सकता है राइट और इनहिबिटर्स के साथ में एक यहाँ दे रखा पॉइजन पॉइजन जो है वो होते हैं जो कैटलिस्ट का, का काम बिल्कुल रोक देते हैं और इनहिबिटर केवल उसको थोड़े से उसके एक्टिविटीज को थोड़ा रिड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स राइट तो ये जो इनहिबिटर्स हैं पॉइन से ये खुद भी एंजाइम्स हो सकते हैं राइट ये लोग क्या काम करते हैं देखिए जो एंजाइम्स हैं बेसिकली एंजाइम्स की जो रिएक्शंस हैं वो होती है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बेस पर जो कि हम ऑर्गेनिक में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बेस पर होती है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको कि एंजाइम्स uh, के फंक्शनल ग्रुप से जिनकी इंट्रेक्शन स्ट्रांग होगी तो वो एंजाइम्स के फंक्शनल ग्रुप से बाइंड हो जाते हैं और बाइंड हो जाने के बाद वो उनकी एक्टिविटीज़ को भी कम कर देते हैं राइट right? या तो वो कम कर देते हैं या फिर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइजन राइट right? इसके बारे में फर्दर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लास्ट चैप्टर में मिलती है तो अब हमारे पास इसका लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये एंजाइम रिएक्शन जो है किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर बहुत सारे कैविटीज़ होते हैं राइट कैविटीज़ का आपको मीनिंग समझाना है कि कैविटीज़ क्या चीज़ें प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ द एंजाइम राइट तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जो एंजाइमेटिक सोल्यूशंस हैं वो बेसिकली कोलॉयड्स हैं राइट कोलॉयड्स हैं ना कि सोल्यूशंस हैं और अब जो ये कैविटीज़ हैं ये कैविटीज़ क्या चीज़ हैं राइट कैविटीज़ का मतलब वो नहीं कि इसमें कुछ होल्स हैं या कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे कुछ जाकर ट्रैप हो गया कुछ ऐसा नहीं है तो ये जो कैविटीज हैं बेसिकली दीज आर दी मॉलिकुलर डिज़ाइंस ठीक है तो जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं और इसके कारण उनकी एक डिज़ाइनिंग बन जाती है जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं ये जो ग्रुप्स हैं ये सभी एक्टिव साइट्स हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है तो अमोनिया में एक लोन पेयर होता है दिस कैन एक्ट एज ए बेसिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप कनेक्टर्स एसिडिक ग्रुप थायोल कनेक्टर्स बेसिक ग्रुप ओ एच कनेक्टर्स एस ग्रुप तो इस तरीके से जो ये फंक्शन ग्रुप्स हैं ये एक्टिव साइट्स हैं लेकिन इसके कारण इनकी एक डिज़ाइनिंग हो जाती है राइट जो कि इस पिक्चर में नहीं शो किया जा रहा है ओके इस पिक्चर में इसको नहीं शो किया जा रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रहा हूँ ये पिक्चर आपके लास्ट चैप्टर uh, में अवेलेबल है जिसमें कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि जो ये एंजाइम है इसके अंदर ये एक तरह की एक्टिव साइट होती है जो बेसिकली किसी फंक्शन ग्रुप के जैसा नज़र आता है और जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट हम उस मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं जिसके साथ एंजाइम ने इंट्रैक्ट करना है या वो सबस्टानस जिसका प्रोडक्ट बनना है तो वो कहलाएगा सबस्ट्रेट जैसे अगर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना है तो सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन अगर यूरिया को ब्रेक डाउन करना है यूरेज ने तो यूरिया हो गया सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट जो है वो इसी एक्टिव साइड से बाइंड हो जाता है इस पिक्चर को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है अलग से तो आप देखेंगे कि जो सब्स्टेट है जैसे कि ये एक एक्चुअली पिक्चोरियली शो किया हुआ है बट एक्चुअल में ऐसा कोई पत्थर या ऐसा कुछ प्रिजमेटिक शेप नहीं होता इनका बस ये बताया जा रहा है कि इसी के साथ का शेप मेजर होकर के ये जो सबस्टेट है वो इसमें फिट हो जाता है जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है और इसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम है ये सबस्टेट और ये फिट हो चुका है तो इसको आप बोल सकते हैं कि एक एंजाइम है ये सबस्टेट है तो ये बन गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स राइट तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स अब होता क्या है कि जब मैंने बताया कि पॉइजन और प्रोमोटर्स या इनहिबिटर्स तो वो काम कैसे इसमें करता है राइट right? यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका काम बड़ा ही सिंपल होता है अभी आपको यहाँ पे एक एंजाइम नज़र आ रहा है और ये आपके पास सबस्टेट है राइट right? सबस्टेट है अब सबस्टेट जो कुछ ऐसा ही काम जैसा कर रहा था किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के कारण वैसे ही आपके पास कोई ड्रग आ गया जिसको आप इनहिबिटर कह लो या पॉइजन कह लो पर यह जो है ड्रग है इसका फंक्शनल ग्रुप इससे सिमिलर है और इस करके इन दोनों में एक कंपटीशन हो जाता है हु विल अटैच फर्स्ट टू दी एक्टिव साइट अब अगर ये चीज़ अटैच हो गया यहाँ पर तो डेफिनेट सी बात है कि सब को चांस नहीं मिलेगा जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है तो इस तरीके से जो ये ड्रग है इसने इस साइट को ब्लॉक कर दिया और इस तरीके से अब हम बोले हैं कि ये जो ड्रग है इसने अपना एक रोल प्ले किया है इनहिबिटर का रोल प्ले किया है राइट right? तो इस तरीके से इनहिबिटर का काम होता है कई ड्रग्स क्या करते हैं वो डायरेक्टली इससे बाउंड ना होकर के एक साइट और भी होती है साइट मीन्स यहाँ पे लोकेशन है जैसे इसका नाम दिया गया एलोस्टेरिक साइट तो इस एलोस्टेरिक साइट पर भी ये बाइंड अप हो जाते हैं और जब ये बाइंड अप हो जाते हैं जैसे कि आप दिख रहे हैं कि यहाँ से एक बिगर साइज़ है जैसा ये तो बिगर साइज़ होने के कारण जब ये इसमें फिट अप हो जाता है कम्बाइन हो जाता है तो जिसके कारण यहाँ पर जो ये शेप है आपको जैसे ये शेप दिख रहा है ये शेप चेंज हो जाती है और अगर ये शेप चेंज हो गया है तो डेफिनेटली बात है कि जो सब्स्टेट है उसके लिए अब ये वैसा एक्टिव एंजाइम नहीं रहा राइट तो इस तरीके से भी इस तरीके से भी एंजाइम्स का जो एक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम एनिमेट करके इसको देखें तो आपके पास जैसे यहाँ पर आपको एंजाइम नज़र आ रहा है तो आप देखें कि इन एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट नज़र आती है राइट और वो जो एक्टिव साइट्स हैं जिसके साथ के सबस्टेट अटैच हो जाता है राइट जहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप होता है तो वो चीज़ कहलाती है एक्टिव साइट तो इसे हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि ये एक एक्टिव साइट दिखाई जा रही है मीन्स कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप होगा और इसके साथ एक सबस्टेट है जो कि कनेक्ट हो जाएगा राइट और कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो सकती हैं राइट जैसा कि एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक के लिए बना होता है तो इसी तरीके से एक एंजाइम स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर सब्स्टेट के लिए ही डिज़ाइन होता है ओके okay, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन हो जाता है कि एक एंजाइम और ये सबस्टेट है और आपके ऊपर यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ये राइट जो कि ये शो करता है कि ये एक, ट्रांजिशन स्टेट है एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है और फिर ये फर्दर डम्पोज हो जाते हैं राइट right? जिसके कारण एंजाइम अलग हो जाता है और एक हमारे पास नया प्रोडक्ट बन जाता है राइट right? तो इस तरीके से एंजाइम का मैकेनिज्म हो सकता है अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक बिगर मॉलिक्यूल है सुक्रोज का राइट right? और जिसमें कि यहाँ पर ये एंजाइम्स हैं एंजाइम्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं अब आप देखेंगे कि इनके एक्टिव साइड पे जैसे सुकरोस मॉलिक्यूल है वो ट्रैप हो जाता है ट्रैप होने के कारण वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है और इसी तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंट्रैक्ट करने लायक बन जाता है उसके इंट्रैक्शन से यहाँ पर रिएक्शन होती है जिससे ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है एक ग्लूकोज और दूसरा ये जो है साइक्लिक पेंटेन है ये फ्रक्टोस इस तरीके से दोनों मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट रहते हैं और एंजाइम आपके पास फ्री हो जाता है रिएक्शन होने के बाद जो एंजाइम है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है ओरिजिनल शेप का मतलब ये हो गया कि जो उसके पास ओरिजिनल इंटैक्ट फंक्शन ग्रुप्स थे वो वैसे ही हो जाते हैं और अब जो ये एंजाइम है ये अवेलेबल है किसी दूसरे नए रिएक्शन के लिए रेडी राइट right? और ऐसा नंबर ऑफ टाइम रिपीट होने के बाद ये ख़त्म हो जाता है अगर आप इसके एनर्जी ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे विदाउट एंजाइम बेसिकली यू नीड हायर एनर्जी और अगर आपके पास एक एंजाइम है तो वो रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी एक लोअर लेवल की चाहिए होगी राइट सो so, एंजाइम्स के प्रेजेंस के साथ जो है एक्टिवेशन एनर्जी लोअर रहता है और प्रोडक्शन रेट हायर हो जाता है इस एनिमेशन को हम नोटबुक पे ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो लॉक एंड की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर शो हो रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है और इसका एक स्पेसिफिक शेप का मतलब ये हो गया कि ये एंजाइम एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि एक स्पेसिफिक सब्स्टेट के लिए डिज़ाइन है तो ये सब्स्टेट है और जैसे इसके अंदर ये एंजाइम इसके साथ लॉक हो जाता है अब लॉक का मतलब ये होगा कि इसके फंक्शन ग्रुप कहीं पर आ, आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होगा या कहीं डाइपोलर डाइपोलर इंट्रैक्शन होंगी तो इस तरह की इंट्रैक्शन वॉल इंट्रैक्शन या फिर डायपोलर इंट्रैक्शन होती हैं जिसके कारण ये पर्टिकुलरली इसी में जाकर के फिट हो जाता है मतलब बड़ा ही सिंपल सा काम है अगर मैं देखता हूँ मेरा हाथ है तो हाथ भी गीला हो जाता है हाथ सिंपली इसलिए गीला हो जाता है बिकॉज आपके हाथ जो वो प्रोटीन से बने हुए हैं विच हैज़ पोलर बॉन्ड्स अमाइड बॉन्ड्स आर पोलर और वाटर खुद भी पोलर है तो इसीलिए हाथ आपका गीला हो जाता है अगर आप समझते हैं कि पानी को आप इसे स्क्रीन के ऊपर डाल दें और स्क्रीन गीली हो जाएगी तो ऐसा नहीं है राइट तो ये इसका एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसको हम बोलते हैं कि एंजाइम सब्स्टेट कॉम्प्लेक्स और इसके बाद जो है एंजाइम अलग हो जाता है और एंजाइम जो है इनके प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देता है राइट right? रिएक्टर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है तो ये है इसका सिंपल सा रिएक्शन जिसको हम बोलते है, आ, सिंपल हैं सिंपल मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म जो कि आप बहुत ही सिंपली दो स्टेप में समझ सकते हैं पहला स्टेप में एंजाइम और सब कंबाइन होंगे जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और अगले ही स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम को बैक रिटर्न कर देगा साथ में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं राइट तो इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें प्रोसेस और कैटालिस्ट यूज़ हुए हैं राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी एनजाइम कैटालिसिस